तहसील सदर के ग्राम पंचायत हाला नगला में कुछ दबंगों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से काफी समय से कब्जा कर रखा था। अब जब ग्राम प्रधान श्रीमती सलमा बेगम, प्रधान प्रतिनिधि नासिर हुसैन को गांव के अंदर सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का शासन के आदेश पर गांव में निर्माण कराना था, गांव में ग्राम सभा की जमीन की तलाश की गई तो गांव के ही होशियार सिंह पुत्र राम सहाय, सोनू पुत्र राम प्रकाश, यशपाल सिंह पुत्र अतराज सिंह, कुंवरपाल सिंह पुत्र नन्नू सिंह, जाहिद पुत्र शौकत अली, रईस पुत्र शौकत अली, परवेश पुत्र अफजाल, धर्मवीर सिंह पुत्र नन्नू सिंह, भोगराज सिंह पुत्र नरोत्तम, शीशपाल राम रतन, जगदीश, लाखन सिंह, ओमपाल सिंह, रामोतार, राजवीर सिंह, राधेश्याम, सूरजपाल ने ग्राम सभा की जमीन पर अपना अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान सलमा बेगम ने थाना दिवस मुंडा पांडे में पहुंचकर उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी से की, तो शिकायत मिलने के बाद उप जिलाधिकारी सदर एक्शन में आए और थाना पुलिस और राजस्व की टीम को तत्काल मौके पर भेजकर अवैध कब्जा करने वालों का जो भी सामान ग्राम सभा की जमीन पर रखा था उसे वहां से हटाकर फेंक दिया गया और ग्राम सभा की जमीन को ग्राम पंचायत को सौंप दिया है, जिससे कि शासन की योजनाओं में इस ग्राम सभा की जमीन को काम में ला जा सके और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा समय पर रहते पूरा किया जा सके। तो वहीं इस पर उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी का साफ कहना है कि अगर तहसील सदर में कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करता है तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ शासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम ग्राम प्रधान हला नगला से हूँ और ग्राम प्रधान पति सलमा जी के यहाँ से हमारे गांव में ग्राम पंचायत के लिए पंचायत घर आया है, जिसके चक्कर में विवाद चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय और पंचायत घर। कुछ दबंग लोग उसका निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। आज कुछ आला अधिकारियों ने जाके वहाँ पे जमीन का निरीक्षण किया और वहाँ पे चूना डाला है और अभी कुछ लोग जो है वहाँ भी दबंगे दिखा रहे हैं। अच्छा, ये ग्राम सभा इसकी जमीन पे लगभग 3.25 बीघे जमीन है, इस पर लगभग दो तीन साल से लोगों ने कब्जा जमा रखा है और अपने पिटोरे बना रखे हैं जबरदस्ती। अभी इसके लिए कोई गांव में जगह नहीं है। जो दूसरा नंबर है जिसके लिए विवाद कर रहे हैं वो 172 नंबर है गाटा संख्या, जो गाँव से जो है गाँव की जंगल में है और रजेड़ा नदी के पास है। जबरदस्ती ये लोग सभी दबंगे लोग वहाँ पे जबरदस्ती बनवाना चाहते हैं और ग्राम प्रधान ने जो जगह पास की है वो दो डाटा संख्या 246 है, जो गांव के बिल्कुल नजदीक है और ग्रामवासियों के लिए बिल्कुल सुटेबल है। आला अधिकारियों ने भी जो CDO साहब के यहाँ से रिपोर्ट आ चुकी है वो भी पास हो गया, प्रस्ताव LMC प्रेस साहब जो है वो भी पास हो गया है और ब्लॉक अधिकारियों ने भी पास कर दिया है, लेखपाल साहब ने पास कर दिया है, DM साहब ने आदेश जो है SDM साहब को दे दिए, तहसीलदार साहब ने आज जो आज है उन लोगों से जमीन कब्जा मुक्त करा दी गई है और जमीन का चिन्हितकरण करा दिया गया है। उन लोगों को 4 दिन का समय दिया गया है कि अपने अपने बिटोरे हटा लें वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर मुकदमा दायर किया जाएगा। जिन लोगों का उस पर अवैध कब्जा है, जैसे सोनू हैं, सोनू चौधरी हैं, होशियार चौधरी हैं, शीशपाल चौधरी हैं और रहीस हैं, जायद हैं, शौकत हैं, ये काफ़ी लोग हैं, रामोतार हैं, ये सब दबंग लोग हैं और इसमें जो है गांव में जो भी विकास कार्य कराया जा रहा है उसमें ये बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। तो ये जमीन पर से कब्जा नहीं हटाना चाहते हैं और अगर के दबंगे दिखाते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक जाऊंगा और मैंने इनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी लेटर दे दिया गया। अगर ये ज़्यादा जबरदस्ती दिखाएंगे तो इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।